Hello students, Dr. Gopichand Bhargav, 1889 to 1966, the eminent freedom fighter of Haryana. Dr. Gopichand Bhargav, a valued associate of Mahatma Gandhi, was born on 8 March 1889 at Sirsa. आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर गोपीचंद भार्गव का जन्म कहाँ हुआ था? सिरसा में. इट वॉज मिस्टर निहाल चंद सीकरी, ए प्रोमिनेंट कांग्रेस मैन ऑफ लाहौर, हु ब्रॉट गोपीचंद इन टच विद कांग्रेस मूवमेंट. कौन थे जिन्होंने कांग्रेस में आने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया? तो पूछा जा सकता है निहाल चंद सीकरी. टू सपोर्ट द कोज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही गेव अप हिज प्राइवेट प्रैक्टिस. तो असहयोग आंदोलन के जमाने में उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ दी इस मूवमेंट के लिए. ऑन 4 दिसंबर 1921 गोपीचंद अलोंग विद लाजपत राय, लाल खान, संत नाम वॉज अरेस्टेड एट लाहौर. तो 1921 में वो कहाँ पर अरेस्ट हुए? लाहौर में. ही वॉज ट्राइड अंडर द सेडिशियस मीटिंग एक्ट इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस JEKO. तो इस इनजस्टिस का नाम भी पूछा जा सकता है, किसकी कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चला था. और गोपीचंद वो सेंटेंस टू 4 months इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन 300 rupees ऑन जनवरी 1922. जनवरी 1923 ही लेड द सत्याग्रह इन कनेक्शन विद द रिमूवल ऑफ लॉर्ड लॉरेंस स्टेच्यू. ही वॉज अरेस्टेड. ही वो सेंटेंस टू 8 months इम्प्रिजनमेंट. तो पूछा जा सकता है कि 1923 में रिमूवल ऑफ लॉर्ड लॉरेंस स्टेच्यू के लिए किसको सजा हुई थी 8 महीने की? तो डॉक्टर गोपीचंद भार्गव को. इन अक्टूबर 1928 ही टूक लीडिंग पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द एंटी साइमन एजिटेशन. गोपीचंद आल्सो सस्टेन्ड इंजरीज वाइल प्रोटेक्टिंग लाजपत राय. लाजपत राय, लाला लाजपत राय का नाम आप जानते ही होंगे कि साइमन कमीशन के टाइम पर लाठी लगने से उनकी डेथ हो गई थी. तो उनके साथ गोपीचंद को भी चोटें आई थी. गोपीचंद प्लेड एन एक्टिव पार्ट इन द सिविल डिसोबीडियंट और सॉल्ट सत्याग्रह. आप जानते होंगे नमक आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था, दांडी मार्च. तो ही वॉज ऑल्सो अरेस्टेड. तो ही वॉज अरेस्टेड ट्वाइस, फर्स्ट 1930 एंड देन इन 1933 ड्यूरिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्टेड बाई गांधी. व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका 1940 में शुरू हुआ था. और गोपीचंद मेड एंटी वॉर स्लोगन्स एंड वॉज अरेस्टेड. ही वॉज कैप्ट इन लाहौर सेंट्रल जेल. तो पूछा जा सकता है कौन सी जेल में उन्हें रखा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह के जमाने में. दो गोपीचंद फर्मली बिलीव इन नॉन वायलेंस, ही हैड ऑल सिंपैथीज विद द टेररिस्ट फ्रीडम फाइटर्स. हालांकि वो अहिंसा में यकीन रखते थे, फिर भी उनकी उनकी सिंपैथी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से जुड़े हुए जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनके साथ थी. तो उन्हें हम क्रांतिकारी कह सकते हैं. एज ए रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स जवाहरलाल नेहरू अकम्पनीड बाई गोपीचंद विजिटेड द सेंट्रल एंड बोस्टल जेल एट लाहौर. तो लाहौर की जेल में जवाहरलाल नेहरू ने विजिट किया था. ऑन अगस्त 1929 नेहरू हैड पेशेंट टॉक विद भगत सिंह, बटुकेश्वर द, जतिन दास, अजय घोष एंड शिव वर्मा. तो उनके साथ उनकी बात हुई. और ही इंक्वायर्ड अबाउट द हेल्थ ऑफ जतिन दास. द रिवोल्यूशनरी प्रिजनर्स ऑलवेज रिगार्डेड गोपीचंद देयर सेवियर एंड शेयर देयर सेंटीमेंट्स विद हिम. आफ्टर 63 days ऑफ फास्टिंग जतिन दास डाइड इन द लाहौर जेल ऑन 13 September 1929. गोपीचंद वॉज शॉक्ड टू नो द सैड डिमाइस एंड इमीजिएटली रिजाइंड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली एज ए प्रोटेस्ट. तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से कि कौन थे जिन्होंने पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली से इस्तीफा दिया था जतिन दास की डेथ के बाद. आफ्टर 63 days ऑफ फास्टिंग जतिन दास डाइड, ये हम अभी बात कर चुके हैं. तो ए डिफेंस काउंसिल कंप्राइजिंग प्रोमिनेंट पब्लिक मैन इंक्लूडिंग गोपीचंद वॉज फॉर्म्ड विच डिसाइडेड दैट ए पेटिशन फॉर लीव टू अपील बी सेंड टू प्रिवी काउंसिल. व्हेन भगत सिंह रियलाइज्ड दैट अपील टू द प्रिवी काउंसिल हैड रीच potentialities as a media for propaganda abroad, Gopichand along with others applied to a Privy Council
बट द पिटीशन वॉज रिजेक्टेड। तो पूछा जा सकता भगत सिंह की तरफ से प्रिवी काउंसिल में किसने पिटीशन डाली थी? गोपी चंद ने। 1937 ही वॉज इलेक्टेड टू पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बिकेम द लीडर ऑफ अपोजिशन वैन द यूनियनिस्ट मिनिस्ट्री वॉज फॉर्म अंडर द प्रीमियरशिप ऑफ सिकंदर हयात खान। यूनियनिस्ट पार्टी का नाम आपने सुना होगा, 1923 में हरियाणा के थे छोटू राम, उन्होंने बनाई थी। तो 1937 में गोपी चंद पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर से चुने जाते हैं। इन रेस्पॉन्स टू गांधी जी कॉल ही रिजाइन द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 1942 सॉरी 1940। तो एक बार फिर से उन्होंने रिजाइन किया गांधी जी के कहने पर। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके SCS एग्जाम के लिए। जो दूसरे एग्जाम्स हैं हरियाणा के, उसमें भी ये इंफॉर्मेशन मददगार साबित हो सकती है। आप लाइक कर सकते हो, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और कुष्मांडा IAS SCS अकेडमी की तरफ से इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो उसका बेनिफिट आप लेना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।